हे गाइस, दिस इज माय सुरजीत मिस्त्री। हमारी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ये देसी साइकिल है, नॉर्मल 20 इंची हीरो कंपनी का साइकिल है। ये साइकिल में हम हाफ मोटर में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया। दोस्तों, ये 24 वोल्ट की हाफ मोटर इसमें हम फिट किया। तो दोस्तों, फिट करने का बाद इसमें जो हेडलाइट है दोस्तों, ये हेडलाइट बिल्कुल ही ज़्यादा पावर नहीं देते, इसीलिए हम ये 24 वोल्ट की हेडलाइट को बदल के इसमें 12 वोल्ट की हेडलाइट लगाएंगे। तो दोस्तों, ये 24 वोल्ट डीसी को हम 12 वोल्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने एक कंट्रोलर ले लिया। ये कंट्रोलर आपको 24 वोल्ट को 12 वोल्ट करके देंगे। तो देख लीजिए, इसमें इनपुट 24 वोल्ट और आउटपुट इसका 12 वोल्ट। तो दोस्तों, चलिए इसको कैसे फिटिंग करते हैं हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप भी अपना साइकिल को, साइकिल का जो हेडलाइट है, हेडलाइट का ज़्यादा पावरफुल लाइट लगाना चाहते हो तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसलिए वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये एक काला सा ये डब्बा रखा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर बैटरी है। ये बैटरी को हम खोलेंगे। खोलने से पहले हमें पहले ये बैटरी का ढक्कन को खोलना है। ढक्कन को खोलने के लिए हमने 13 नंबर की एक स्पैनर ले लिया। 13 नंबर की स्पैनर से बोल्ट को हम खोल देंगे। बैटरी का नीचे की हिस्से में एक बोल्ट रहता है, इसको हम आराम से खोलेंगे। खोलने का बाद ये बैटरी का जो ढक्कन है, ढक्कन को हम हटाएंगे। हटा के इसका अंदर कंट्रोलर लग रखा हुआ है और एक बैटरी रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये बैटरी 24 वोल्ट की लिथियम आयरन बैटरी इसमें लगा हुआ है, और ये सफ़ेद सा एक आएंगे बैटरी की एंड में रखा हुआ है। दोस्तों, ये 24 वोल्ट की कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर आपकी मोटर को कंट्रोल करते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर ये दो वायर आपका जो छुटा हुआ है सफ़ेद वाला, वो दोनों इंडिकेटर की, और ये साइकिल में इंडिकेटर तो नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ये वायर ऐसे ही हमने छोड़ दिया। तो अब हमें जहाँ से 24 वोल्ट लाइट की जो वायर है वो लगा हुआ है, वहीं पे हम एक कंट्रोलर को फिटिंग करेंगे। तो कंट्रोलर की एक हिस्सा हम 24 वोल्ट की, जो 24 वोल्ट जहाँ से पावर आ रहा है दोस्तों, वहीं पे हम फिट कर देंगे। और दूसरी जो लाइट का दूसरी साइड गया, उसमें हम 12 वोल्ट की लाइट लगाएंगे। तो एक कंट्रोलर आप नहीं लगा के 12 वोल्ट को लाइट को नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो जल जाएगा। इसी की वजह से हम ये जो कंट्रोलर लगा रहा है, तो दोस्तों ये 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो तब भी हम 12 वोल्ट की लाइट हॉर्न हम लगा पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप 24 वोल्ट 12 वोल्ट हॉर्न में और हेडलाइट में दे दोगे तो दोस्तों, आपको अपना लाइट हॉर्न पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको ये कंट्रोलर एक ले लेना है दोस्तों। कंट्रोलर आपको ये जो इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ मिलते हैं वहीं से ही आपको मिल जाएगा, और ये ज़्यादा महंगाई नहीं है। ये आपको 120 रुपये में मिल जाएगा। तो आपका मर्जी है आपको कैसा खरीदना है। ये देख लीजिए, हम ये प्लग के साथ पहला हम अटैच करके आपको दिखाएंगे ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी हमारी चैनल पर वीडियो देखोगे, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आपको साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा, एनी रिपेयरिंग, मैकेनिकल मॉडिफाइड का फुल वीडियो नॉलेज के साथ आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हमारी वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर देखना है। वीडियो की स्किप मत कीजिए, स्किप कर दोगे तो क्या पता चले आपका कोई अच्छा सा पार्ट छूट गया। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो आप ज़रूर बताना, क्योंकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है।
तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये तार को हम थोड़ा काट लेंगे, प्लग के साथ जो लगा हुआ है तार को हम काट के बिल्कुल डायरेक्ट जोड़ देंगे, नहीं तो ऐसे जोड़ेंगे तो इधर उधर जब भी ये साइकिल हिलेगा तब ये तार खुलने का चांस रह जाता है, इसीलिए हम पूरा तार को अच्छी तरह काट के फिक्स्ड करके चिपक देते हैं देंगे। तो दोस्तों इसको दोनों तार को हम काट के अच्छी तरह जोड़ेंगे, ये जो 24 वोल्ट बैटरी से आया वो 24 वोल्ट को हम 24 वोल्ट जहाँ से आया वहीं से वहीं पे हमारी जो कंट्रोलर है कंट्रोलर की इनपुट के तार को हम जोड़ देंगे और आउटपुट जो 12 वोल्ट निकाला दोस्तों वहीं पे हम इंडिकेटर और हॉर्न और हेडलाइट को हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये जो पहला वाली 24 वोल्ट की जो हेडलाइट है उसको हम थोड़ा खोल के उसका तार को काट देंगे और लाइट को हम निकाल देंगे। ये लाइट ज़्यादा पावर नहीं होते हैं दोस्तों, बिल्कुल थोड़ी सी पावर होते हैं, इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाली ये लाइट हमने ले लिया है। 12 वोल्ट की हेडलाइट है और दोस्तों ये 12 वोल्ट की आपका हॉर्न है, ये दोनों हमने ले लिया। ये लाइट हमें मिला 60 रुपये में और हॉर्न मिला हमारी 80 रुपये में। ये बाइक वाला हॉर्न हमने ले लिया, छोटा सा हॉर्न लेकिन ये बहुत ही पावरफुल हॉर्न है। आप भी खरीदना चाहते हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हो। हम जो साइकिल का हॉर्न में एक पाती लगा हुआ रहते हैं वो जो मोनोग्राम जो साइकिल का मोनोग्राम हीरो साइकिल में एच रहते हैं, हरकुली साइकिल में भी एच रहते हैं, पीएसए साइकिल में ए बी रहते हैं और टाटा साइकिल में टी रहते हैं, सारे साइकिल का संकेत दिया हुआ है उसमें हम हेडलाइट और हॉर्न को जोड़ दिया। तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया हमने, एक बोल्ट के साथ ही दोनों को जोड़ दिया, हेडलाइट और हॉर्न को जोड़ने का बाद 10 नंबर की स्पैनर और रिंग से हम अच्छी तरह बोर्ड को कस देंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह कसना है, ढीला मत छोड़िए, ढीला छोड़ दोगे तो साइकिल चलने के बाद वक्त एक खुल जाएगा, इसलिए हम बोर्ड को बिल्कुल अच्छी तरह कस दिया। तो दोस्तों पहले वाली जो 24 वोल्ट का हेडलाइट था उसको हमने थोड़ा खोल लेंगे, खोलने के बाद ये जो तार जहाँ अंदर तक गया हुआ है वहीं से हम तार को काट देंगे। ये देख लीजिए दोनों तार को हम यहीं से काट देंगे, काटने का बाद ये 24 वोल्ट की जो हेडलाइट है उसको हम निकाल देंगे। ये ज़रूरत नहीं है, ये 24 वोल्ट की जो हेडलाइट है बिल्कुल बेकार है, इसमें ज़्यादा पावरफुल लाइट नहीं देते। तो दोस्तों ये जो जैक हमने खोल दिया, ये जैक से 24 वोल्ट की पावर आते हैं। अब हम ये जैक के साथ जोड़ देंगे कंट्रोलर को, छोटा वाला जो कंट्रोलर हमने लिया वो कंट्रोलर को जोड़ देंगे ये जैक के साथ, क्योंकि इसमें से ही लाइट की साइड जाते हैं पावर। और दोस्तों ये पावर को हम कंट्रोलर की मदद से 24 से 12 वोल्ट हम कर देंगे, करने का बाद ही हम लाइट लगाएंगे। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की जो हॉर्न हमने लिया वो दोनों को हम फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे जो इसका कितना पावर है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए दोनों तार को कैसे जोड़ रहा है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक ही जोड़ना है। इधर उधर कर दोगे तो एक कंट्रोलर भी फूक जाएगा और आपकी लाइट भी बिल्कुल फूक जाएगा, इसलिए आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना है, रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक लगाना ज़रूरी है। लगाने के बाद हम ये जो ब्लैक टेप देके हमने अच्छी तरह उसको लगा दिया, चिपका दिया, क्योंकि दोनों वायर एक दूसरे के साथ टार्च में आ जाएगा तो दोस्तों आपकी सारे जितना भी वायर लगा हुआ है सारे जल जाएगा, इसलिए आप जहाँ भी तार को जोड़ेंगे
वहीं पे हीट टेप नहीं होगा तो ब्लैक टेप को आपको यूज करना है, अच्छी तरह लगाना है। अब हम लगा दिया, लगाने का बाद जैक को हम दोबारा लगा दिया, ये हमारी हो गया 12 वोल्ट। तो दोस्तों लाइट को हम थोड़ा जला के आपको दिखाएंगे, 12 वोल्ट 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कैसे हमने बनाया, कैसे निकाला। ये दोनों तार को हम थोड़ा छील लिया, छीलने का बाद ये हॉर्न का जो जैक है उसको हम लगा रहे। लगाने का बाद नोज वाला जो प्लास आते हैं दोस्तों, प्लास से हम अच्छी तरह चिपका देंगे। चिपकाने का बाद हमें हॉर्न की जैक फाइनली कंप्लीट कर देंगे। करने का बाद हम हॉर्न को थोड़ा बजा के भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो की लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। हम और भी नई नई साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल ऑल मैकेनिकल रिपेयरिंग वीडियो आपको देते रहेंगे। और हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों ये दोनों जो हॉर्न का जैक है दोस्तों, जैक को हम अच्छी तरह लगाया, लगाने का बाद हॉर्न को हम बजाएंगे। और आपको ध्यान में रखना है हॉर्न का जो वायर है दोस्तों वो थोड़ा मोटी देना है, इसमें ज़्यादा पतला सा तार दे दोगे तो दोस्तों तार दो तीन बार जब भी हॉर्न बजाओगे तार बिल्कुल फूक जाएगा, इसीलिए हॉर्न का तार आपको थोड़ा मोटा और थोड़ा अच्छी तार देना है। तो गाइज हम तो कंट्रोलर को फिट कर दिया, 12 वोल्ट 24 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाने वाला जो कंट्रोलर है दोस्तों, कंट्रोलर हमने कैसे फिटिंग किया अब ध्यान से देखिए, इधर उधर मत कीजिए। जैसे जैसे हमने फिटिंग किया आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो दोस्तों ये जो तार हमने जॉइंट दिया, तार को भी हम थोड़ा टेप लगा देंगे, एक दूसरे के साथ टार्स नहीं होना चाहिए, टार्स हो जाएगा तो आपका कंट्रोलर दोनों ही फूक जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए अब जब भी एक काम करोगे इलेक्ट्रिक का काम दोस्तों, आपको बिल्कुल चारी तरफ ध्यान में रखना है, एक तार दूसरी के साथ नहीं चिपकना चाहिए, एक दूसरे के साथ लग जाएगा तो दोस्तों आपका दोनों कंट्रोलर फूक जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है जहाँ जहाँ तार को आप जोड़ोगे तो दोस्तों तार को जोड़ने का बाद आपको बिल्कुल ब्लैक टेप से चिपका देना है। तो दोस्तों ये जो कंट्रोलर हमने लगाया, कंट्रोलर लगाने का बाद 24 वोल्ट से 12 वोल्ट हमारा कंट्रोलर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम ये तार को थोड़ा काट के दूसरा तार हमने जोड़ा, जोड़ने का बाद दोस्तों हम टेप से अच्छी तरह इसको चिपका दिया। चिपकाने का बाद फाइनली हमारा कंट्रोलर फिटिंग करना कंप्लीट हो गया। अब हम इसको थोड़ा चेक करेंगे, चेक करके लाइट हॉर्न को हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये कंट्रोलर हमने तो लगा दिया, लगाने का बाद आराम आराम से ये जितना भी जैक लगा हुआ है और जितना भी तार है आराम आराम से तार को घुसा देना है। घुसाने का बाद जो बैटरी का ढक्कन है, ढक्कन को अच्छी तरह हम फिर से बंद कर देंगे। तो दोस्तों बंद करने का बाद हम ये जो हेडलाइट और हॉर्न लगाया उसमें हम कनेक्ट करेंगे, और पहला वाली जो स्विच था दोस्तों वो स्विच में ही काम करेगा, इसीलिए हम दोनों तार को एक साथ अच्छी तरह लगा दिया। लगाने का ये हॉर्न देख लीजिए दोस्तों हमारा कैसा बज रहा है, बहुत ही पावरफुल हॉर्न है। और दोस्तों ये हॉर्न की हॉर्न जहाँ पे हमने जोड़ दिया वहीं पे थोड़ा टेप देके हम चिपका देंगे, नहीं तो ये दोनों तार इकट्ठे जॉइंट हो जाए तो आपका जो हॉर्न है, हेडलाइट है, सारे जल जाएगा। तो इसीलिए जहाँ जहाँ आप तार को काटोगे वही सारे जगह पे आपको अच्छी तरह टेप देके चिपका देना है।
ये हमने जहाँ जहाँ तार को ज्वाइन किया तो दोस्तों वहीं पे हम अच्छी तरह टेप लगा दिया। टेप लगाने का बाद हम ये हेडलाइट और हॉर्न को और एक बार आपको जला के दिखाएंगे। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। हम और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे, साइकिल मॉडिफाइड साइकिल, रिपेयरिंग नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट कैसे करें और नॉर्मल साइकिल में डिश गियर कैसे लगाए, हम स्टेप बाय स्टेप फुल नॉलेज का साथ वीडियो हमने शूट किया। आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों हम एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियो देते हैं, रोज वीडियो हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारी खुद की शॉप है, शॉप में आप हमें काम करना पड़ते हैं, इसीलिए हम एक दिन छोड़ छोड़ के वीडियो देते हैं। तो दोस्तों आपकी घर में साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, साइकिल का प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बता देंगे। और हमारी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी होगा तो हम उसका लिंक आपको भेज देंगे। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक साइकिल का हेडलाइट और हॉर्न फाइनली लगाना हमारी कंप्लीट हो गया। ये 12 वोल्ट जो इस साइकिल का साथ 24 वोल्ट का जो हेडलाइट था दोस्तों, बिल्कुल लाइट ज़्यादा नहीं आ रहा था, और जो हॉर्न लगा हुआ था वो हॉर्न भी ज़्यादा तेज नहीं हुआ, इसीलिए हम ये 24 वोल्ट से 12 वोल्ट करने वाला कंट्रोलर हम लगा के फिर हम 12 वोल्ट का हॉर्न और हेडलाइट लगा दिया और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेडलाइट बन गया। तो दोस्तों आप भी अपना साइकिल में हेडलाइट लगा सकते हो। तो आप हमारी वीडियो पर फुल नॉलेज आपको मिल जाएगा, कैसे 24 वोल्ट से 12 वोल्ट करते हैं, कौन सी कंट्रोलर इसमें यूज हमने किया, कैसे इसको फिटिंग कर दिया हमने, वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया। तो दोस्तों ये जो 20 इंची हीरो कंपनी का जेंस साइकिल है, ये साइकिल में हम हाफ मोटर लगाया, हाफ मोटर किट फुल हमने फिटिंग किया, ये हमें 12,000 रुपये में मिल गया। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय।